हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैंकर्स प्लेटफॉर्म सो फ्रेंड्स टुडे वी हैव कम अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन द आईबीएफ एग्जाम सर्टिफिकेट इन फॉरेन एक्सचेंज सो फ्रेंड्स लेट्स सी सो फ्रेंड्स हेयर वी विल डिस्कस द गाइडलाइंस फॉर द ट्रांजैक्शन दिस इज़ अबाउट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन तो फ्रेंड्स जो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो गाइडलाइन है वी विल डिस्कस अबाउट इट ओके सो लेट सी तो फ्रेंड्स ये जो गाइडलाइंस है दीज गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू आवर फेमा तो फैम फ्रेंड्स जो फेमा की जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली सम ट्रांजेक्शन जो कुछ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड है ओके एज़ पर रूल थ्री तो कौन सी वो ट्रांजेक्शन्स है जो प्रोहिबिटेड है अंडर शेड्यूल वन एंड अंडर शेड्यूल टू तो फ्रेंड्स ये दो टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे और अभी जो फ्रेंड्स लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं लाइक लास्ट टू थ्री मंथ्स में आई के इन दैट एग्जामिनर विल डेफिनेटली आस्क वन क्वेश्चन वन टू टू क्वेश्चन इससे अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं फ्रेंड्स इफ़ यू मेमोराइज दिस सो डेफिनेटली वन टू टू मार्क्स इज कन्फर्म इन द एग्ज़ाम बिकॉज यहाँ से फ्रेंड्स हर बार एक क्वेश्चन आता है लास्ट मंथ ऑल्सो लास्ट मंथ ऑल्सो विच एग्जाम वॉज देयर ऑफ दिस वहाँ पे भी फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड इट वॉज रिलेटेड टू फर्स्ट टॉपिक रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग एंड रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग एक्सेट्रा और एनी अदर हॉबी तो यहाँ पे पूछा था कि दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजेक्शन विच इज़ प्रोहेबिटेड ओके सो देर आर टू थिंगस आर देर वन इज़ प्रोहेबिटेड और सेकेंड पॉइंट जो है वो है अप्रूवल रूट ओके दो तरह की ट्रांजेक्शन्स है कि वो प्रोहिबिटेड है या अप्रूवल है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे वी विल डिस्कस हेयर अबाउट द ट्रांजेक्शन्स विच आर प्रोहिबिटेड अंडर रूल थ्री ओके सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी तो फ्रेंड्स अगर कोई भी लॉटरी से अगर कोई भी पैसे जीतता है ओके विन करता है दैट रेमिटेंस ही कैनॉट डू ओके उस लॉटरी का रेमिटेंस वो नहीं कर सकता है दैट इज़ प्रोहिबिटेड सेकेंड इज रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्राम रेसिंग राइडिंग एक्सेट्रा और एनी अदर हॉबी तो और भी कोई भी हॉबी हो किसी की एंड इफ़ ही इज़ अर्निंग मनी फ्राम रेसिंग राइडिंग ओके सो फ्राम दिस ऑल्सो द इनकम ही कैनॉट रेमिट ओके रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट ओके रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट बैन और प्रोस्क्राइब मैगजीन्स, फुटबॉल पूल, स्वीप स्टेक्स एक्सेट्रा तो इन पॉइंट्स के लिए भी जो है फ्रेंड्स वन कैन नॉट मेक द फॉरन रेमिटेंस ओके पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर होली सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज ओके सो फॉर कमीशन ऑल्सो ऑन एक्सपोर्ट नॉट बी डन ओके इट इज़ प्रोहिबिटेड. ओके सो फ्रेंड्स यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड प्रोहिबिटेड तो फ्रेंड्स प्रोहिबिटेड अगर आप एक बार याद कर लिए कौन सी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड हैं दीज आर एट सो दिज एट ट्रांजेक्शन आर प्रोहेबिटेड ओके रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाई एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिबिडेंट बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल ओके पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू टेन परसेंट ऑफ इनवाइस वैल्यू ओके टेन परसेंट ऑफ इनवाइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टबैक्यू ओके तो यहाँ पर पे जो पेमेंट है फ्रेंड्स कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट किसी भी एक्सपोर्ट पर जो कमीशन है वो अगर टेन परसेंट से अबव है ओके सो दिस पॉइंट यू कैन रिमेंबर टेन लाइक हेयर इट इज़ गिवन अप टू टेन परसेंट ऑफ इन वॉयस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैकू ऑनली इट इज़ इन द केस ऑफ टी एंड टोबैकू इन अदर केस जहाँ पे भी रूपी स्टेट क्रेडिट रूट है वहाँ पर कमीशन नहीं दे सकते हैं उसका रेमिटेंस नहीं कर सकते हैं ओके पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो आस्क इन वन ऑफ द प्रीवियस सर्टिफिकेट

स्कीम अकाउंट स्कीम ओके तो जो भी इंटरेस्ट इनकम है जो भी फंड है एंड नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपए अकाउंट ओके दैट इज इसका जो भी इंटरेस्ट इनकम है दैट वन कैन नॉट रेमिट ओके सो दीज आर द प्रोहिबिटेड आइटम्स ये प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं जो जिसका हम फॉरन रेमिटेंस नहीं कर सकते हैं. ओके सो आई होप सो फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया होगा ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट ओके नेक्स्ट हेयर इट इज़ ट्रांजेक्शन विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके यहाँ पे वो ट्रांजैक्शंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर प्रायर अप्रूवल चाहिए जिसके लिए हमें ओके मीन्स दैट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड वो प्रोहिबिटेड नहीं है बट वी नीड अप्रूवल ओके तो जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कल्चरल टूर ओके पर्पज ऑफ रेमिटेंस परपज ऑफ रेमिटेंस लाइक कल्चरल टूर ओके एडवर्टीजमेंट इन फॉरन प्रिंट मीडिया रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वैसल चार्टेड बाय पी एस यू तो ये जो फ्रेंड्स ये जो भी हैं यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह फ्रेम होता है लाइक विच आर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड सो वट द एग्जामर विल डू ही कल्चरल टूर

शेड्यूल टू शेड्यूल वन हमने फ्रेंड्स डिस्कस कर लिया एंड नाउ वी विल डू शेड्यूल टू ओके सो लेट स्टार्ट सो पर्पस यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी ट्रांजेक्शन है विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद हम वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ओके सो हेयर पर्पज ऑफ रेमिटेंस कल्चरल टूर अगर कभी भी कल्चरल टूर से रिलेटेड पेमेंट करना है किसी भी बैंक को देन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर सो इन दो डिपार्टमेंट से हमें जो है अप्रूवल लेना होगा ओके okay, अप्रूवल जो है कस्टमर को लेकर आना होगा देन ओनली वी कैन डू फॉर कल्चरल टूर्स रेमिटेंस ओके नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया फॉर पर्पस इज़ अदर दैन प्रमोशन ऑफ टूरिज़म ओके तो यहाँ पे आपको देखना है कि अदर देन वो होना चाहिए टूरिज़म फॉरन इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल बीडिंग एक्सीडिंग यू एस डी टेन थाउजेंड बाई स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो इस केस में जो है हमें परमिशन लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कहाँ से लेना है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ओके लेट्स सी नेक्स्ट रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाई अ पी तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो परमिशन है दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ Transport charting wing. Okay, next fourth payment of import by a government department or a PSU on CIF basis other than FOB and FAS basis. So, Ministry of Surface Transport charting wing. Okay, so let's see. Next, these are four points multi. मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ़ शिपिंग ओके डी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर बाय टीवी चैनल्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सो हेयर वी नीड द परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन And information technology. Okay, let's see seventh. Remittance of container detention charges exceeding the rate prescribed by Director General of Shipping. तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ़ सरफेस से परमिशन लेना एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ़ शिपिंग. Okay, omitted. Okay, maybe something would be there that is omitted. Ninth. Remittance of prize money. remittance of prize money or sponsorship of sports activity abroad by a person other than international, national, state level sports body. if amount involved exceed 1 lakh dollar, ok, so, if 1 lakh dollars a jada amount, gcb prize money, then ministry of human resource development and department of youth affair and sports, ok, let's see next remittance for membership of p and i club. सो फॉर दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंश्योरेंस डिपार्टमेंट इंश्योरेंस डिवीजन ओके तो फ्रेंड्स ये इलेवन पॉइंट्स हैं नॉट इलेवन बिकॉज एट्थ इज ऑलरेडी ऑमिटेड एंड टेंथ इज ऑल्सो ऑमिटेड सो कैन से नाइन पॉइंट्स यहाँ पर जो है नाइन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं ओके एंड दिस विल गिव यू वन टू टू मार्क्स हेयर नाइन पॉइंट एंड हेयर इन शेड्यूल एंड इन शेड्यूल टू Nine points. If you remember these points properly, so definitely, friends, you will get one to two marks. So, I hope so, friends, this session is uh, beneficial for you. And if you like the session, please hit the like button and subscribe to our channel. If you have not subscribed, so, friends, like this, we will come with more videos. Okay, so you have to subscribe the channel, then only you will be getting the Notification of our new videos and friends, here we'll wind up the topic. So, thank you, friends. Thanks for watching. Have a nice day.